जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी डिवोशनल पॉइंट आप भक्तों का एक बार फिर से नई ताजी वीडियो में हार्दिक स्वागत करता है। अगर आप माता रानी की पवित्र यात्रा की ओर दर्शन करने चाह रहे हैं तो आप भक्तों के लिए अच्छी खबर ये है कि यात्रा पर भक्तों की बहुत ही अच्छी भीड़ आ रही है। तो जानेंगे यात्रा पर इस समय क्या माहौल है, कितने यात्री फिलहाल जा रहे हैं, कोविड को लेकर क्या वहाँ पर नियम और कानून है, दर्शन किस तरीके से हो रहे हैं। तो वीडियो में तक बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को बाकी भक्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आके। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, माता रानी की पवित्र यात्रा पर इस समय लगभग 8 से 12 हज़ार भक्त प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जहां पर ये पहले आंकड़ा लगभग 6 से 8 हज़ार ही बना हुआ था, वहीं अब लगभग 12 हज़ार तक भक्तों का जाना भी काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात माना जा रहा है। आप देख सकते हैं भक्तों की काफ़ी अच्छी तादाद माता रानी की पवित्र यात्रा की ओर आगे बढ़ रही है। दर्शनी द्वार का ताज़ा नज़ारा आप देख पा रहे हैं। ये नज़ारा 14 फरवरी 2022 का है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। वही बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं अगर आप माता रानी की पवित्र यात्रा पर जाते हैं तो क्या वैक्सीन का सर्टिफिकेट काम कर जाएगा या फिर आपको कोरोना टेस्ट कराना होगा वैक्सीन लगाने के बाद भी। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, माता रानी की पवित्र यात्रा पर जाने के लिए अगर आपको दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है तो आपको कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे भक्त जिन्हें या तो एक वैक्सीन की डोज लगी है या फिर एक भी डोज नहीं लगी है, ऐसे भक्तों को कोरोना का RT-PCR का टेस्ट कराना होगा, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वहीं अगर कोई भक्त बाय रोड आ रहे हैं, बस से या फिर अपने कार से, ऐसे सभी भक्तों को कोरोना टेस्ट कराना पड़ रहा है लखनपुर बॉर्डर पर। बिल्कुल सही सुना हमने, जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है वहाँ पर उन्हें रोका जा रहा है। ऐसे सभी भक्तों को कोरोना टेस्ट कराना पड़ रहा है। बाकी जो भक्त बाय ट्रेन आ रहे हैं, ऐसे भक्तों को कोई भी कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, अगर उन्हें दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है। बाकी 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को कोई भी कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। बाकी 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को या तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा या फिर उन्हें भी कोरोना का RT-PCR का टेस्ट कराना होगा, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो कुछ इसी तरीके के नियम कानून माता रानी की पवित्र यात्रा पर चल रहे हैं। आशा करूंगा आप भक्त ज़रूर माता रानी की यात्रा पर जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है, जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना सहयोग दिखाना, सपोर्ट दिखाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि माता रानी का पवित्र चैनल यूं ही चलता रहे, आप सभी भक्तों को जानकारी घर बैठे ही मिलती रहे। वहीं आप सही भक्त जो सामने नज़ारा देख रहे हैं, माता रानी की पवित्र यात्रा का नज़ारा है, अर्धकुंवारी मंदिर परिसर का नज़ारा आप सामने देख सकते हैं, जहां पर भक्तों की थोड़ी बहुत कम संख्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, अगर आप माता रानी की पवित्र यात्रा पर अब जाएंगे तो अच्छी खबर यह है कि माता रानी की अर्धकुंवारी गुफा भक्तों के लिए खुल चुकी है, जिसकी जानकारी आप भक्तों को सबसे पहले डिवोशनल पॉइंट नहीं दी थी, तो इस समय आप अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर हम भवन की बात करें तो भवन पे भक्तों के लिए अभी तक भी प्राचीन गुफा यानी कि पुरानी गुफा भक्तों के लिए नहीं खुल सकी है। हालांकि माता रानी के पिंडी स्वरूप दर्शन आप जरूर कर सकते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी या फिर भवन में धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो आप जरूर रुक सकते हैं। डोरमेट्री की सर्विसेज आपको मिल रही है, घोड़े खच्चर पिट्टू पालकी की सुविधाएं भी आपको पूर्ण रूप से मिल पा रही हैं। तो यानी कि माता रानी की पवित्र यात्रा पर जाने के लिए आपको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। मैं आशा करूंगा माता रानी आप भक्तों की यात्रा जरूर सफल करेगी, संपूर्ण करेगी। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। अगर आप भी माता रानी की पवित्र यात्रा पर जा रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं, कब जा रहे हैं ये भी हमें बताना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं यात्रा से जुड़ी ताजा तस्वीर और पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।